स्टूडेंट्स हमने कुछ टेस्ट किए थे जिसमें हमने देखा था उनको हम यूज करके एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिटेक्ट कर सकते हैं अब हम कुछ मजीद टेस्ट uh, ऐसे देखेंगे जो जिनसे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन को जो है वो डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं आपस में और हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमें पता चल सके एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है या नहीं इससे पहले तो हम अगर ये रिकॉल कर लें कि हम टू फोर डी एन पी एच का टेस्ट देख चुके हैं जो कीटोन्स को जो है वो डिटेक्ट करता है इसी तरह हम टोलेंस टौलें, रिएजेंट टेस्ट देख चुके हैं फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट देख चुके हैं ये सारे टेस्ट हम स्टडी कर चुके हैं अब हम पढ़ेंगे दो और टेस्ट के बारे में जिनमें से एक है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और दूसरा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट की बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट को हम यूज uh, करके क्या कर सकते हैं जो एल डी हाइड्स होते हैं कीटोन्स नहीं एल डी हाइड्स होते हैं और उसमें से भी कौन से वाले एलिफेटिक एलडी हाइड्स एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की हम बात नहीं कर रहे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं बेनेटिक सोलूशन के सोल्यूशन äh, को यूज करते हुए या बेनेडिक्स टेस्ट के जरिए तो इसमें क्या होता है जो पॉजिटिव आता है ये टेस्ट वो किसके लिए आता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए आता है कीटोन्स के लिए ये नेगेटिव आता है ठीक है चलिए हम ई वी ई भी लगा देते हैं साथ में कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए पॉजिटिव और कीटोन्स के लिए ये टेस्ट नेगेटिव आता है अगर हम यहाँ पर एक्सेप्शन की कुछ बात कर लें तो एक्सेप्शन इसमें एक आ जाती है और वो ये कि हमारे पास कीटोन होते हैं एक होते हैं हाइड्रोक्सी यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ एल्फ़ा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन्स जो ये एल्फ़ा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन्स होते हैं बस ये जो है ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए अदरवाइज इसके इनके अलावा सारे कीटोन्स जो हैं वो नेगेटिव रिजल्ट uh, देते हैं तो यानी कि अगर हम कीटोन्स और कीटोन्स और एलिफेटिकल डी हाइड्स मौजूद हों और उसका हम अगर टेस्ट करें तो हम जो है वो बेनेटिक्स टेस्ट को यूज़ करते हुए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर एलिफेटिकल डी मौजूद हैं या उसके अंदर जो है कोई कीटोन्स हैं इस टेस्ट की अगर हम थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में भी देख लें तो क्या होता है कि इसमें बेनेडिक्स सोल्यूशन बनता है अब इसका जो सोल्यूशन है बेनेडिक्स सोल्यूशन एस ओ एल एन में लिखूंगी सोल्यूशन के लिए तो इसका सोल्यूशन बनता कैसे है इसका सोल्यूशन बनता है हमारे पास मौजूद होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन सॉरी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नहीं होता हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो है वो क्या मौजूद होता है इसका सॉल्ट जो है वो हमारे पास मौजूद होता है ये हम यूज करते हैं इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ अब इसको जो है वो क्या करते हैं ऐड करते हैं यानी कि हमने क्या किया सोडियम कि कार्बोनेट का सोल्यूशन मौजूद होता है हमारे पास और उसके अंदर हम ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्ट और उसके बाद उसके अंदर मजीद हम क्या ऐड करते हैं एक और सॉल्ट ऐड करते हैं और वो है सोडियम सिट्रेट ये सारे रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं और हम इन सब को किस इन सब को किस चीज में डिजोल्व करते हैं ये सारे के सारे होते हैं डिस्टिल्ड वाटर में इस सब का एक सॉल्यूशन बना लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर में अब देखें कॉपर सल्फेट हमने यहाँ ब्लू कलर से लिखा है और हमें ये भी पता है कि कॉपर सल्फेट जो होता है ये सॉल्ट ये ब्लू कलर का होता है तो क्या होता है ये जो पूरा बेनेडिट्स रिएजेंट यहाँ जो बन जाता है जो बेनेटिक्स रिएजेंट बनता है एक तो ये बेनेटिक्स रिएजेंट कहते हैं दूसरा ये के ये जो बेनेटिक्स रिएजेंट है इसका कलर जो होता है वो क्या होता है कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू होता है ये हमने इसके आगे लिख भी दिया कि ये क्या होता है ब्लू सोल्यूशन होता है ओ एल एन सोल्यूशन के लिए लिखा है अच्छा अब क्या होता है कि हमने क्या करना है बेनेटिक्स रिएजेंट लेना है जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि इसका मैंने किस तरह से लिखा है कि ये कॉपर का सिट्रेट बन जाता है इसके आइन्स मौजूद होते हैं सोल्यूशन में अब यह बेनेडिक्ट सोल्यूशन है साथ में यहाँ पर हमारे पास जो है वो एल का सैंपल मौजूद है या किसी भी कार्बनल कंपाउंड का जो है वो सैंपल मौजूद है लेकिन क्योंकि एल पॉजिटिव देता है इसलिए हम यहाँ पर मिसाल जो ले रहे हैं वो एल की ही ले रहे हैं तो ये एल के लिए एक जनरल फार्मूला आ गया अब क्या किया हमने दोनों सोल्यूशन जो है वो इक्वल अमाउंट्स में ले लिए यानी कि अगर मैंने 5 ml जो है वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिया है तो मैंने 5 ml ही एल्डिहाइड का सोल्यूशन ले लिया अब क्या करेंगे इसको हमने जब रिएक्ट करवाया तो हम क्या देखते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल टेम्परेचर पे जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास यहां पर जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है एक कार्बोक्सिलिक एसिड की आर सी डबल ओ आर सी डबल ओ एच ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड की साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है और जो अगर यहां पर क्या मौजूद था यहां पर एल्डिहाइड था तो क्या होता है कि साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड यानी सी यू टू ओ क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं और ये तकरीबन इसी कलर के होते हैं जो मैंने कलर यहाँ पर यूज़ किया है क्यूप्रस ऑक्साइड और इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इसीलिए हमने यहाँ पर सॉलिड लिखा है तो ठीक है इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और यहाँ पे एरो नीचे का लगा देते हैं कि इनकी फॉर्मेशन होती है और इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारे पास सैम्पल था उसमें एल्डिहाइड्स मौजूद थे और वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड अच्छा इस इस टेस्ट के अगर हम एक एप्लीकेशन देखें तो यूरिन के सैंपल में शुगर को डिटेक्ट करने के लिए भी या डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए भी कि किसी बंदे को डायबिटीज तो नहीं है तो उनके यूरिन सैंपल लेके उससे भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज़ करके हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके उसके यूरिन में जो है वो शुगर तो नहीं आ रही शुगर तो नहीं प्रेजेंट अच्छा आज अच्छा अब हम आ जाते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट की तरफ ये दे हम देख लेते हैं कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है वो किस तरह से करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जैसे किसके नाम में है यही यूज़ कर रहे होते हैं इसे अगर हम फॉर्मूले को डिस्कस कर लें तो ये होता है एन और फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ आ जाएगा आयरन आयरन जो कि जो है सेंट्रल मेटल आयन आ जाएगा या सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा उसके बाद यहाँ साइट ग्रुप आ जाएगा या साइन ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे ये फाइव लगाएंगे फिर एन NO ओ और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सबसे पहले हम क्या करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को जो है वो हम डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं एक क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर एड करते हैं अपना कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसका हमने डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर एल्डिहाइड मौजूद है या इसके अंदर कीटोन मौजूद है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड होता है यह होता है कार्बोनल कंपाउंड इसके बाद हम इस सब को क्या करते हैं अच्छी तरह शेक करते हैं अच्छी तरह हिला लेते हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर हम लिखेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सोल्यूशन एक्वस लिखूंगी मैं यहाँ पे कि सोल्यूशन जो होता है इसको हम ऐड करते चले जाते हैं अच्छा अब इसके नतीजे में हम दो तरह के रिजल्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक तो है पॉजिटिव रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट और एक है नेगेटिव रिजल्ट अब नेगेटिव रिजल्ट में तो ये होगा कि हम कहते हैं कि नो रिएक्शन यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो सॉल्यूशन वैसा का वैसा ही रहता है पॉजिटिव रिजल्ट में हम किस तरह के रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या हो जाए ऑरेंज रेड हो जाए

नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स के लिए इसको हम एल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते इनफैक्ट अगर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव uh, रिजल्ट आया दैट मीन्स कि इसके अंदर कीटोन्स मौजूद हैं इसके अंदर एल मौजूद नहीं है तो हम इसको कीटोन्स uh, और एल में डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस टेस्ट को तो अगर हमें बता दिया गया है कि Uh, आपके पास ये सोलूशन मौजूद है जिसमें कार्बोनल कंपाउंड मौजूद है लेकिन आपने इसका टेस्ट करके बताना है कि इसमें एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स अगर रिजल्ट में कोई कलर चेंज नहीं आया तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये क्या है इसमें एल्डिहाइड मौजूद है या एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और अगर आपके पास इसमें जो है वो सारा प्रोसीजर आपने जो है वो परफॉर्म किया उसके बाद आपके पास ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड कलर का सोल्यूशन आ रहा है दैट मीन्स कि आपके पास इसमें कीटोन मौजूद है एज कार्बोनल कंपाउंड तो आज हमने दो मजीद टेस्ट डिस्कस कर लिए टू डिटेक्ट एल्डिहाइड्स एंड से एक है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और दूसरा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट